हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारे फ्रेंड्स यूपी से हैं, इसमें पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में किसी भी ब्रांच से हो फ्रेंड्स, तो आपका कॉमन पेपर है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, उसकी फ्रेंड्स जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू कर दी गई फ्रेंड्स। अब आपकी जो क्लासेज है वो आने स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। हम कल आपको इसमें चैप्टर रिव्यू बता रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें आपका जो क्लास सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है फ्रेंड्स, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, चार्ज की कूलम्स लॉ क्या है, तथा घर्षण विद्युत का सिद्धांत क्या है, और रेशों का जो घर्षण विद्युत सिद्धांत है वो क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो जो चीज़ें फ्रेंड्स आज कवर की गई, जब आप फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगी। तो जी फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स की क्लासेज भी चाहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में फ्रेंड्स जरूर बताएं, और फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जो आपकी क्लासेज हैं फ्रेंड्स वो हैंड रिटन है फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स हम बता दें, हम पहले अपना बुक से पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लिख लिए हैं, फिर आपको फ्रेंड्स पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, जितने आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बताएंगे जो वैद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है। तो यहाँ पर वैद्युत जो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से संबद्ध परिघटनाओं का वर्णन किया जाता है। फ्रेंड्स, वह विज्ञान है जिसमें क्या है, आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से संबद्ध परिघटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत का सिद्धांत क्या है। तो जब भिन्न भिन्न परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी फ्रेंड्स, इसे इंसुलेटर मटेरियल आप बोल सकते हैं, जब भिन्न भिन्न इंसुलेटर मटेरियल को आपस में रगड़ते हैं तो इन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्शन करने का गुड प्रॉपर्टी आ जाती है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं या घर्षण विद्युत सिद्धांत कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो चार्ज होता है आवेश वो क्या है। फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स यहाँ पर आवेश वो क्या है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है। फ्रेंड्स, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है पदार्थ का जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। फ्रेंड्स, क्या करती हैं, अनुभव करती हैं, आरोपित या अनुभव करती हैं। इसे फ्रेंड्स हम इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वस्तुओं पर आवेश किन्हीं दो कुजालक पदार्थों के घर्षण से प्रकट होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज एंड ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है। तो इन एमकेएस सिस्टम में जो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्ज। जो आवेश होता है उसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है फ्रेंड्स, ये आपको दो नंबर में या तीन नंबर में लिखने के लिए मिल जाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे जो आवेश हुआ है क्या है, सदिश राशि है फ्रेंड्स, सदिश नहीं अदिश राशि है। जो आवेश हो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा को मूल राशि अगर हम मान लेते हैं तो जो आवेश होता है वह एक व्युत्पन्न राशि है। यह किसी आवेश, कोई आवेश, कोई चार्ज इस्तेमाल क्यू है में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस्तेमाल यन है। तो सूत्र फार्मूला जो क्यू इज इक्वल टू यन ही होता है, वहाँ से अगर हम लेंगे तो यन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 × 6.25 × 10⁻¹⁸, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक कूलाम क्या होता है। एक कूलाम का फ्रेंड्स जो आपको डेफिनेशन होगा ये एक नंबर में आपसे पूछेगा। आपको फ्रेंड्स ये किस तरह बताना है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है। यदि किसी चालक में कोई फ्रेंड्स एक चालक है जिसमें एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो उस चालक में प्रवाहित जो आवेश होगा वह एक कूलाम होगा। फ्रेंड्स इसे आप सेम इसी तरह लिख देना है, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित आवेश को एक कूलाम कहते हैं। फ्रेंड्स ये आपका क्या है, डेफिनेशन है किसका, एक कूलाम का। फ्रेंड्स आपसे जो इसका प्रॉपर्टी होगा आवेश का, चार्ज का, वो आपको फ्रेंड्स पाँच नंबर में पूछेगा, इसलिए हम आपको सारा चीज़ें बता दे रहे हैं। आगे भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, तभी आप कुछ भी आगे लर्न अच्छे से कर पाएंगे। फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो आवेश है उस पर चालक का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर फ्रेंड्स उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समय के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तथा द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान पर चाल का प्रभाव पड़ता है। चालक का आपेक्षिकता का सिद्धांत फ्रेंड्स, ये आपेक्षिकता का सिद्धांत भी
कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो क्या है, आवेश जो है सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, आवेश को केवल स्थानांतरित किया जाता है। जिस तरह फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी मिलता जुलता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो क्या है, किसी वस्तु के ऋणात्मक अथवा धनात्मक होने का तात्पर्य उस वस्तु पर क्रमशः जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकता अथवा कमी से है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो आवेश है वो सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। फ्रेंड्स अगर द्रव्यमान नहीं है तब तो आवेश हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान नहीं हो सकता। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य हो वह कण आवेशित नहीं हो सकती, जैसे फोटॉन न्यूट्रिनो से फ्रेंड्स आपकी क्या है कण हैं। अब फ्रेंड्स हम आपको जो नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, यह समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। फ्रेंड्स ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा कि समान आवेश के मध्य कौन सा बल लगता है, तो आपको यहाँ पर बताना है प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, इसे आवेशों का नियम या आवेशों का बल नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स आपको ये 1 नंबर पूछेगा, जरूर पूछेगा, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं किसी वस्तु को घर्षण प्रेरण अथवा चालन द्वारा आवेशित किया जाता है, जो यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रॉपर्टी हो क्या है, किसी वस्तु को घर्षण प्रेरण अथवा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स जो आता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ फ्रेंड्स क्या है, तो कूलाम्स लॉ आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है फ्रेंड्स। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में अगर 1 नंबर में आता है तो आपको क्या लिखना है, सन 1785 में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स इसका आपका स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताएंगे। फ्रेंड्स ये आपका 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स लगभग आता ही आता है, आपको हम बताया जाएंगे इसका डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर जिसका स्टेटमेंट हो क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश फ्रेंड्स पॉइंट चार्ज कोई हैं, कोई दो कांस्टेंट पॉइंट चार्ज हैं के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो आकर्षण बल है अथवा प्रतिकर्षण बल है दोनों आवेशों की मात्राओं जो उनका मात्रा है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल होता है, तथा उनके बीच की दूरी के जो उनके बीच की दूरी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो आवेश हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच की दूरी क्या है r, तो इन दोनों के फ्रेंड्स क्या है आवेश जो इनके मात्रा है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा जो इनके बीच की दूरी है r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो बल है इसका लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वो इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो फ्रेंड्स इनके बीच की जो दूरी है उसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² होता है। फ्रेंड्स अब यहाँ हम बात करते हैं इस बल की दिशा होती है वो क्या होती है, इस बल की दिशा उन आवेश जो चार्ज हैं उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। फ्रेंड्स जो रेखा जा रही इसी के अनुदिश होती है। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे इसका स्टेटमेंट, जब 5 नंबर पूछेगा आपको यहाँ पर कैसे लिखना है। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले लिखना है, माना दो बिंदु आवेश Q1 और तथा Q2 हैं, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, अतः इनके मध्य लगने वाला बल स्मॉल f कैपिटल f कूलाम के नियमानुसार किस प्रकार फ्रेंड्स बल लगेगा, यहाँ पर पहला बताया गया स्टेटमेंट कि क्या है, जो बल है वो प्रोपोर्शनल है इनकी मात्राओं के आवेशों के Q1 Q2 को, और जो यहाँ बल है दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है वो व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के। फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको जो बताई जाने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर लिखा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। फ्रेंड्स अब यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है इसे हम फ्रेंड्स सिंपली क्या करेंगे, इन्हीं से अभी आपको हम बताते हैं क्या हो रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एफ है बल वो क्या है प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2/r² के, या फिर एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2/r² से। फ्रेंड्स हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और यहाँ पर जो के है वो क्या है एक समानुपाती या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। फ्रेंड्स जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक हैं प्रयोगों द्वारा फ्रेंड्स प्रैक्टिकल द्वारा इसका मान हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए हैं 9×10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर आता है। फ्रेंड्स सुविधा के लिए इस समानुपाती स्थिरांक को निर्वात या वायु के लिए 1/4πε0। फ्रेंड्स हम आपको पहले जब बताए थे
ग्रीक वर्ड, तो इसीलिए आपको बताया गया था ये फ्रेंड्स क्या है, एप्सिलॉन है और ये जीरो लगा इसलिए नॉट होता है। फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि जो समानुपाती स्थिरांक के होता है उसका मान क्या होता है, इसको आपको बताना है 1/4 πε0, इस तरह भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर क्या आता है 9×10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अतः फ्रेंड्स जो यफ है वो क्या है 1/4 πε0, जो प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल लग रहा है वो क्या लग रहा है फ्रेंड्स कूलम के नियमानुसार 1/4 πε0 q1 q2/r² और बल है इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे फ्रेंड्स हम कौन सा इक्वेशन बनाएंगे, अभी हम इसे 4 नंबर इक्वेशन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, तो फ्रेंड्स जो एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन नॉट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिक्त स्थान जो वहाँ पर फ्रेंड्स खाली स्थान है उनकी विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है, विद्युतशीलता ही है। अब फ्रेंड्स जो समीकरण 2 से अभी आपको हम बताए थे जो यफ प्रोपोर्शनल टू q1 q2 था, यफ प्रोपोर्शनल 1/r² था, उसके आधार पर इसे कूलाम का व्युत्क्रम का भी नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही, कल फ्रेंड्स हम आपको एप्सिलॉन नॉट का मान बताएंगे, मात्रा बताएंगे फ्रेंड्स, और आगे हम लेक्चर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप लोग नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू आना स्टार्ट हो गई हैं। तो जय फ्रेंड्स, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।